नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और जदयू में दरार आ सकता है? ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा समझिए। जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड में अपने उम्मीदवार खड़े करने की बात की और श्रवण कुमार जो उनके मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड से संबंध रखते थे, उन्होंने जब ये कहा कि जदयू के बिना कोई दल संभव नहीं है, यानी कि भाजपा पर उन्होंने इशारा किया था। इस मामले को लेकर के विपक्ष ने तूल दे दिया। ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड में जदयू चुनाव लड़ेगी, एनडीए के साथ लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी, लेकिन अब सीटों के सवाल को लेकर के बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले ही कई ऐसे मंत्री हैं, जदयू के सांसद ने जो बयान दिया उस पर लगातार आलोचना हो रही है। जदयू के सांसद जो देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू के नेताओं ने उनके चुनाव जीतने में मदद नहीं की, वो अपने व्यक्तिगत संबंधों पर चुनाव जीते हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव का भी नाम लिया। इससे बिहार की राजनीति गर्म हो गई है, भले गर्म हो न हो विपक्ष इसे मुद्दा बना रही है। सवाल ये है कि देवेश चंद्र ठाकुर का इशारा 2025 चुनाव को लेकर के है, या देवेश चंद्र ठाकुर कुछ और कहना चाहते हैं? क्या देवेश चंद्र ठाकुर एक कड़ी बनना चाहते हैं जिसमें भाजपा और जदयू के बीच दरार आ जाए? आने वाले समय में सभी चाहते हैं कि एनडीए चुनाव साथ में लड़कर लड़े, जिसमें कुछ लोग हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं और सीधा आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर। कई ऐसे हैं जो सीधा कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव अब बेरोज़गार हैं इसीलिए वो सीधा निकल रहे हैं यात्रा पर, बिहार की यात्रा पर, जबकि नीतीश कुमार पहले निकलते हैं, नीरज कुमार बबलू ने भी कहा। इसके अलावा बता दें कि शीला मंडल हैं, उन्होंने कहा। तो इस तरह के लगातार आरोप लगा रही। इस आरोप के बीच एक सवाल ये है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले जदयू और भाजपा में दरार आ जाएगी? सीटों की तालमेल को लेकर के जहां 175 से ऊपर 200 सीटें जीतने का दावा कर रही है, इससे पहले ही सीटों के तालमेल झारखंड के चुनाव पर निश्चित असर पड़ेगा कि झारखंड के चुनाव में कितने सीटों पर जदयू भाजपा के कंधे का सहारा लेकर चुनाव में प्रवेश करना चाहती है, क्योंकि उसका अलायंस है और 12 सीटों लेकर के वो भाजपा को मजबूती प्रदान कर रही है केंद्र में। इस परिस्थिति में नीतीश कुमार का ये दबाव रहेगा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है या जहां जहां भाजपा है वहां जदयू भी अपने उम्मीदवार खड़े करें, उम्मीदवार अपने कोटे से उम्मीदवार खड़ा करें और एक दो सीट धीरे धीरे लेते हुए वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना, विभिन्न राज्यों में अपना बहुमत ना हो तो भी वो अपने उम्मीदवार को जिताएं। इसे लेकर के सरगर्मी तेज़ हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जिस राज्य में नीतीश कुमार या जदयू का कोई सदस्य नहीं है, कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई विधायक नहीं है, वहाँ वो अपने कंधे का सहारा देकर के उनके मनोबल को बढ़ाएं या उनके उम्मीदवारों को जिताएं। तो इस बात पर लेकर भाजपा से दरार उत्पन्न हो सकता है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते हैं, और जैसे बिहार प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इस मुद्दे पर गंभीरता से देख रहे हैं, सम्राट चौधरी इस मुद्दे पर वार्ता भी कर रहे हैं, क्योंकि सभी की नज़र है केंद्र सरकार में जो भूमिका है नीतीश कुमार की वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार के बजट में बिहार को सबसे अधिक तवज्जो दी गई है। इसके पीछे विपक्ष आरोप लगाते रहे हैं कि ये चुनाव को, 2025 चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार को तवज्जो दी गई है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को विपक्ष नहीं दोहराया, लेकिन नीतीश कुमार के पास इतने संसाधन और इतने बजट में इतने पैसे उपलब्ध करा दिए गए हैं और विकास की बातें की गई हैं, जिससे नीतीश कुमार थोड़ा सा शांत और गंभीर हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा नीतीश कुमार के इस मुद्दे पर घेरती नज़र आती है। लेकिन इस बार जो बजट में बिहार को 2025 चुनाव के मद्देनज़र जो रखी गई है, इसे लेकर के जो एनडीए के नेता हैं वो अति उत्साहित हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रही है। तो क्या विपक्ष के कारण एनडीए में भाजपा जदयू में दरार पड़ सकती है? पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और CTKL चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं।